टिप कांड पर बीजेपी हमलावर हो गई है। कटारिया ने घटना को शर्मनाक करार दिया तो वहीं मदन लाल सैनी ने सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। किरोड़ी लाल मीणा ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए थाना गाजी में पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है, पूरे थाने को सस्पेंड करने की मांग की है। चुनाव के दिनों की इस घटना को इसलिए छिपाया गया सरकार के ओर से कि चुनाव परिणाम इससे प्रभावित न हो। जिस प्रकार का ये घटना हुई है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और सरकार प्रशासन पर इस विषय को डालकर बरी होना चाहती है। मैं सोचता हूं इनका सीधा दोष अगर किसी पे जाता है तो सीधा राजस्थान के मुख्यमंत्री पे जाता है। मैं चाहता हूं वो तुरंत इस बात का जवाब दे कि पुलिस प्रशासन ने अगर इसको डिले किया तो कैसे डिले हुआ, और किसी राजनीतिक दबाव के कारण से चुनाव को ध्यान में रख करके इसको दबाया गया तो उसका भी खुलासा होना चाहिए, ताकि राजस्थान की जनता को ये जानकारी मिले कि इस प्रकार के जघन्य अपराध को भी राजनीति की पराकाष्ठा गिरावट की होकर के दबाया जा सके। घटना 26 अप्रैल की है और अब तक कार्रवाई नहीं हो, इससे शर्मनाक घटना हो नहीं सकती। हमारी मांगे के अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए और जांच की जाए। एसपी अगर दोषी है तो एसपी के अलावा में नहीं बचना चाहिए। हम अंतिम सांस तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आज राजस्थान शर्मसार हो गया, मतलब इस प्रकार की घटना की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते थे। मैं तो सीधे तौर पर गृह मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी से पूछना चाहती हूँ कि इसको छुपाने के पीछे इसका मकसद क्या था? जो जिन्होंने ये अपराध को अंजाम दिया है, क्या वो लोग कांग्रेस के वर्ज हस्त पे ये कार्य कर रहे थे? एक संवेदनशील मुख्यमंत्री बनने का जो ढोंग हमारे मुख्यमंत्री करते हैं, अब उनके पास इसका क्या जवाब है?